बस नहीं मिलती है आपको, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में उतरना पड़ेगा। वहाँ से जयपुरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ तक बस जाती है। वहाँ से हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। स्वागत है आपके अपने चैनल पे ट्रैवलिंग विद सनी में। तो दोस्तों, एक दिन का स्टे मैंने ओवर करा है कोपा गांव में। तो यहाँ का सुंदर वादिया आपको दिखाता हूँ, किस तरह का है ये गांव आपको पूरा मैं दिखाता हूँ। इसका आप देख सकते हैं पीछे कितने अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कितनी अच्छी हरियाली है। तो आज मैं आपको पूरा कोपा गांव दिखाने वाला हूँ, यहाँ के सुंदर पहाड़, सुंदर हरियाली पूरा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितना अच्छा नजारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली। यहाँ की एक खासियत बताऊं मैं, जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, जो कोपा गांव आता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी की खेती होती है। यहाँ पर यानी पूरे चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में कॉफी की ही सबसे ज्यादा खेती होती है। और एक बात, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो मैं उसका बता दूँ कि आपको डायरेक्ट यहाँ से बस नहीं मिलती है, आपको चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में उतरना पड़ेगा। वहाँ से जयपुरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ तक बस जाती है। वहाँ से चिकमंगलूर से जयपुरा तक हमें आना पड़ेगा, फिर वहाँ से कोपा गांव के लिए हमें बस मिलेगी। यानी डायरेक्ट चिकमंगलूर के लिए बस का जो है एक ही बस चलती है, उसका भी टाइमिंग है ऑलमोस्ट 3:30 बजे के करीब चलती है। बट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सुबह से आइए, सुबह के नज़ारे देखने का अलग ही मज़ा रहेगा। और एक बात, यहाँ पे खाने की अगर बात करें तो यहाँ पे साउथ इंडियन ही मिलता है, नॉर्थ इंडियन आपको खाना यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। मैंने बहुत ट्राई करा, लगभग पूरा कोपा गांव ढूंढ लिया, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिला। यहाँ पे टोटली साउथ इंडियन खाना मिलेगा। और एक बात दोस्तों, यहाँ के बाद हम जाने वाले हैं श्री मुंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए। तो आपको बता दूं, यहाँ से हम जाएंगे उड़पी, उड़पी से दर्शन के लिए निकलेंगे हम मुंद्रेश्वर शिवलिंग के। तो वाला वीडियो भी काफी मजेदार होने वाला है। बच्चों की आवाज आ रही, लगता है स्कूल की छुट्टी हुई है, पर स्कूलें तो बंद थे, सही बात है ना। तो यहाँ देख सकते हैं काफी शांति है, कॉलोनी है, घर वन बने हुए, साइड पे घर मिले हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, जो रास्ते भी गए हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वाह मजा आ जाता है यहाँ तो।
तो दोस्तों ये कोपा गांव का बस स्टेशन है, यहीं पे आपको ऑटो भी मिल जाएगा, ऑटो स्टैंड है, और ये छोटा सा मार्केट है यहाँ का। और ये पास में ही ये होटल है जो ऊपर दिख रही है, इसी होटल में हम ठहरे हुए हैं, पाई लॉज।